हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा बीकॉम सेमेस्टर 5 का रिजल्ट कब आएगा, ये आज के डेट में पूरा वेस्ट बंगाल में चलने वाला सबसे बड़ा सस्पेंस है। मुझे ये समझ नहीं आता कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी वो चीज क्यों नहीं समझ पाते हैं जो चीज हम और आप समझ जाते हैं। इतना अनस्टेबल कैसे रह सकते हो आप लोग, इतना आप लोग कैसे कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों के साथ क्या हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोग में जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हो बीकॉम के, उनके माइंड में यही चीज चल रहा होगा कि मेरा रिजल्ट कब निकलेगा। जब तक प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट निकलता है तो बच्चे फोकस करके पढ़ाई कर पाते हैं। आप सेमेस्टर 5 का रिजल्ट निकाल नहीं रहे हो, आपने अपलोड चेकलिस्ट का डेट दे दिया है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट दे दिया है, ऐसे कैसे होगा बाबा? व्हाई द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? व्हाई? माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। एंड मैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप 2 से 3 दिन के अंदर में बच्चों का रिजल्ट को रिलीज करिए, क्योंकि ऐसे बच्चे नहीं समझ पा रहे। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप लोग तो बहुत विद्वान हो। एग्जाम डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चों के साथ, इनका फ्यूचर कैसे होगा बताइए। कोई भी चीज बच्चे प्लान नहीं कर पा रहे सही से, एकेडमिक प्लानिंग होता है, ऐसे कैसे होगा यार? आप नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आ गया, अभी आप रिजल्ट निकाल रहे हो, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और ये हालात, ये कैसे होगा बताइए प्लीज। एक बीकॉम का रिजल्ट, एक सेमेस्टर का, सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आप नहीं निकाल पा रहे हो इतना दिन से, ऐसे कैसे होगा? प्लीज यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों का रिजल्ट आप लोग 2 से 3 दिन के अंदर में दीजिए, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। So, दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं तो वीडियो को शेयर करिए, अगर लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो सच है वही सत्य है और वो मैं कहता रहूंगा। थैंक यू।